2024 के चुनाव में अगर बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो वो है उत्तर प्रदेश में, जहां इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को बुरी तरह पछाड़ दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर यूपी में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बीजेपी यूपी में बुरी तरह पिछड़ी है। यूपी में हिट हुई राहुल अखिलेश की जोड़ी, भले एनडीए गठबंधन ने अपनी सरकार बचा ली हो, लेकिन इतना तो मानना है उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने कमाल करके दिखा दिया है। 80 सीटों वाले यूपी में इंडिया गठबंधन को मिली प्रचंड जीत ने जहां राहुल और अखिलेश की धाक जमा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और यूपी में योगी सरकार के खिलाफ खतरे की घंटी बजा दी है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का डंके की चोट पर कहना है कि यूपी ने देश में बदलाव का संकेत साफ दे दिया है। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया यूपी के जनता ने, कमाल करके दिखा दिया। नहीं नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है, ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही यूपी में जबरदस्त प्रचार और तैयारियों के बाद भी बीजेपी और उसके सहयोगी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों से हार गए। जानकारों के मुताबिक इसके पीछे मोटे तौर पर 7 वजहें मानी जा रही हैं। 7 वजहों से पलटा यूपी का गेम। नंबर 1, यूपी में कांग्रेस एसपी को गठबंधन का फायदा मिला। नंबर 2, दोनों दलों का वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हुआ। नंबर 3, बीएसपी का कोर वोट भी इंडिया को मिला। नंबर 4, राहुल अखिलेश की संयुक्त रैलियों का असर हुआ। नंबर 5, साइलेंट वोटरों को समझने में बीजेपी से चूक हुई। नंबर 6, अल्पसंख्यक वोट बैंक निर्णायक साबित हुआ। नंबर 7, चुनाव में कांग्रेस एसपी का तालमेल नजर आया। यूपी की जनता को क्या कहना चाहिए मैम? मैं अपनी यूपी को की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। सबसे पहले तो मैं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने समाजवादी विचारधारा का जो समर्थन किया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाने का काम किया है, उनका अहंकार, उनकी तृष्णा को तोड़ने का काम किया है कहीं ना कहीं। और जिस तरह सभी समाज और सभी वर्ग के लोग एक साथ आए और जिस तरह समर्थन दिया, क्योंकि सभी लोग त्रस्त हैं। यूपी में इंडिया गठबंधन ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा था। यूपी में एसपी अध्यक्ष ने कांग्रेस को 17 सीटें दी थी और 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जीत को अखिलेश यादव के लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी में हिट हुई राहुल अखिलेश की जोड़ी। अखिलेश की इस जीत में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नारे का भी असर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने आरक्षण और संविधान बदलने को मुद्दा बनाया, उसका असर नीचे तक जाता दिख रहा है। बीएसपी के वोटर्स भी इंडिया अलायंस के साथ जाते दिखे। मेरे माइंड में था
कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। हैरानी की बात तो यह है कि यूपी में राम मंदिर का फायदा भी बीजेपी को मिलता नहीं दिख रहा है। 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जबरदस्त फायदा होगा, लेकिन फैजाबाद से लेकर अमेठी तक यूपी के बड़े चेहरे एसपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के सामने ढेर हो गए। जरा देखिए बीजेपी के कौन कौन से धाकड़ चेहरे यूपी में चुनाव हार चुके हैं। यूपी में बीजेपी के 4 केंद्रीय मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा है। अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हार चुकी हैं। खीरी से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र ट्रेनी हार चुके हैं। चंदौली से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हार चुके हैं। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर मोहन लालगंज से हारे हैं, जबकि फैजाबाद से सांसद लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने हरा दिया है। यूपी में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। खुद बीजेपी के दिग्गज हैरान हैं कि आखिर यूपी में ऐसे नतीजे कैसे आ गए। जानकारों के मुताबिक यूपी में बीजेपी जहां जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल की न्याय यात्रा, अखिलेश यादव के साथ साझा रैलियां और रोड शो ने जबरदस्त असर दिखाया है। राहुल और अखिलेश की जोड़ी को यूपी की जनता ने अपने सर आंखों पर बैठाया है। यूपी में बीजेपी की हार के कई फैक्टर बताए जा रहे हैं। चुनाव में बड़े चेहरे नहीं चले, राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला, पेपर लीक मुद्दे से नुकसान, विपक्ष के आरक्षण के मुद्दे से नुकसान। इंडिया गठबंधन यूपी के नतीजों को देखकर गदगद है। साफ कहा जा सकता है कि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने वो कर दिखाया है जिसका अंदाजा बीजेपी को दूर दूर तक नहीं था। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि साल 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए अभी से ही खतरे की घंटी वाले साबित होने जा रहे हैं।